थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिन पॉइंट दिखाया था, पर वो दूर से दिखाया था, तो अभी मैं पास से आपको दिखाने के लिए आया हूँ। तो गाइज आज हम सीताबर्डी फोर्ट देखने के लिए आए हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये फोर्ट आर्मी के अंडर में आता है और ये साल में सिर्फ 3 बार खुलता है, एक बार 26 जनवरी को और बीच में 1 मई को और उसके बाद में 15 अगस्त को। पर आज के दिन ये स्पेशल पब्लिक के लिए खुला है, तो सोचा क्यों ना ये आप लोगों को दिखाया जाए। तो हे गाइज, माय नेम इज़ गौरव एंड यू आर वॉचिंग गौरव ठाकरे व्लॉग्स। तो गाइज आज के इस व्लॉग में मैं आपको सीताबर्डी फोर्ट का थोड़ा सा टूर कराने वाला हूँ। तो गाइज अभी हम आर्मी के जो रिक्रूटिंग ऑफिस का गेट है उससे आगे आ चुके हैं और यहाँ पे सब तरफ घना जंगल वगैरह है और बीच में बहुत ही अच्छा रोड बनाया गया है और हमें अभी वो साइड जाना है। तो गाइज वो साइड वेल है, तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। जैसे पावन खिंडम में जो ऐसी खिंड रहती थी वैसे ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है, वो चढ़ के हमें आगे जाना पड़ता है और दोनों तरफ पत्थर वगैरह है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सब तरफ ग्रीनरी वगैरह है। पिन पॉइंट देखो, तो गाइज अभी मैंने आपको पिन पॉइंट दिखाया था, तो इस तरफ है ना गांधी जी का सेल है, तो यहाँ पे है ना गांधी जी को रखा गया था, तो ये साइड गांधी जी का सेल है। ये देखो गाइज, तो दोस्तों इस तरफ गांधी जी का एक फोटो वगैरह है और ये साइड उनके जो विचार वगैरह थे, थॉट्स, वो यहाँ पे लिखे हुए है। मेरे पीछे आपको गांधी जी की जेल दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे गांधी जी जेल में रुके थे, तो उनको यहाँ पे 10 अप्रैल से लेकर 15 मई तक यहाँ पे जेल में रखा गया था। तो ये रही वो जेल, ये देखो गाइज, यहाँ पे गांधी जी को रखा गया था और यहाँ पे उनकी चप्पल आपको दिखाई दे रही होगी और नीचे चरखा है और वहाँ पे एक किताब रखी हुई है और ऊपर गांधी जी का एक फ़ोटो लगा है और ये साइड पेड रखा गया है। तो यही वो जगह है जहाँ पे गांधी जी को रखा गया था। तो गाइस गांधी सेल के अपोजिट में एक दरगाह दिखाई दे रही है, ये देखो गाइस।
अभी तक मैंने आपको एक पहला क्वीन पॉइंट दिखाया, उसके बाद में गांधी सेल दिखाया, और अभी एक दरगाह थी वो मैंने अभी आपको दिखाया। तो गाइस अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और आगे मैं आपको इस फोर्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सिक्स पाउंडर गन करके दिखाया, तो ऊपर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो ये 6 गन पाउंडर गन है, तो जो यहाँ पे रखी गई है ये देखो। तो ये देखने के बाद अभी हम आगे चलते हैं। ये तो जमीन के अंदर बनाया गया है। इधर खिड़कियाँ वगैरह आप देख सकते हो, एयर पास होने के लिए या फिर जो दुश्मन रहते हैं उन पे नज़र रखने के लिए। ओ भाई कितना अंदर आ चुका हूँ मैं। तो ये भूलभुलैया जैसे लग रहा है। ये देखो हमारी फैमिली आगे से आ गई है। वही है। तुम कहाँ से आए अभी? गाइस यहाँ पे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, तो मैं जाके देखता हूँ अंदर क्या है। मुझे लाइट चालू करना पड़ेगा। ओ भाई बहुत ही घना अंधेरा है यहाँ पे। और गाइस ये साइड देखो, इधर भी एक रूम दिखाई दे रही है। गाइस अगर ये दरवाजा अपन ने लगा लिया ना, तो उसके बाद में ये पॉइंट रहता है जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तो ऐसी अंदर एक कमरा बनाया है गाइज, आपको इसमें दिख रहा होगा। बाप रे यहाँ तो दम घुटता होगा, बहुत ही खतरनाक है। चलो बाहर निकलते अभी। दूसरे साइड से हम अभी बाहर निकल रहे हैं। तो गाइज ये साइड फोर्ट की दीवार वगैरह है, ये साइड पूरा जंगल वगैरह है, और यहाँ से पूरा नागपुर का व्यू आ रहा है। वो साइड हमारा रेलवे स्टेशन है, उसके ठीक अपोजिट में है, और पास ही में यहाँ पे हमारा गणेश टेकड़ी मंदिर भी है। ये देखो गाइज इतनी सारी भीड़ आ जाइए। गाइज एग्जिट के दो रास्ते हैं, यहाँ से अभी मेरा भाई वगैरह निकला था और मैं वहाँ से आया था उधर साइड से घूम के, और हम गए थे वहाँ से, मैं वहाँ से अंदर गया, वहाँ से घूम के पूरा, वहाँ से ऐसे 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 होके यहाँ तक आए, यहाँ से सीधा वहाँ तक और वहाँ से वापस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिन पॉइंट दिखाया था, पर वो दूर से दिखाया था, तो अभी मैं पास से आपको दिखाने के लिए आया हूँ। और ये देखो गाइस, तो गाइज यहाँ पे जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ऑन दिस स्पॉट द किंग एम्पेरियर एंड क्वीन एम्प्रेस सैड टू रिसीव द होमेज ऑफ दियर पीपल एट नागपुर 9th January 1912। हियर द पीपल ऑफ किंगडम गेव द किंग्स एंड क्वीन अ होमेज बिकॉज ऑफ आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो गाइज अभी हम यहाँ से आए थे
और यहाँ पे वेल देखे और उसके बाद में यहाँ पे क्वीन पॉइंट पे आए और यहाँ से ऊपर जाके मज़ार देखे हमने और गांधी सेल देखा है और वापस यहाँ पे आके अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। तो ये साइड जाने के बाद हमको गन पोजीशन 1, गन पोजीशन 2 और ग्रेव और शिव मंदिर इतना सारा आपको देखने मिलेगा। तो अभी हम ये साइड जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि गन पोजीशन 1 और 2, ग्रेव और शिव मंदिर ये साइड से जाना पड़ता है और यहाँ पे रास्ते में हर जगह जगह पे कांच वगैरह पड़े हैं तो यहाँ से संभाल के जाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब है तो इसलिए अभी हम ये रास्ते से नहीं जाते हुए वापस जा रहे हैं। तो क्वीन पॉइंट से उतरते ही हमें शिव मंदिर और ग्रेव मिल जाएगा तो वहाँ से मैं आपको वो दिखा दूँगा। तो दोस्तों मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है ना वो गणेश जी का है तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अंदर में फ़ोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं है। तो गाइज आज के इस व्लॉग में मैंने आपको सीताबर्डी फोर्ट का पूरा टूर कराया है तो व्लॉग को यहीं पे रोकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हमारे चैनल गौरव ठाकरे व्लॉग्स।